इंटरनेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे सिर्फ ऑनलाइन मनाया जाए, ये फैसले से नाराज महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फर्म की सभी सोशल वर्कर्स। आदाब, मैं हनीफ कच्ची, महाराष्ट्र मित्र में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के सभी इलाकों के माइनॉरिटी एनजीओ की यूनियन मतलब महाराष्ट्र एनजीओ फर्म, जिसमें पूरे महाराष्ट्र के हजारों सोशल वर्कर्स शामिल है, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के माइनॉरिटीज़ को अनदेखा करके उसके हर सवाल पर अपनी चुप्पी रखकर अपने सभी काम पार्टी मीटिंग्स जल्द से बरकरार रखते हुए सिर्फ माइनॉरिटी डे को ही ऑनलाइन मनाया जाए, ये फैसले का निषेध MMNF ने किया। महाराष्ट्र के माइनॉरिटीज़ खास करके मुसलमान महाराष्ट्र सरकार से नाराज़ है, क्योंकि हम देख रहे हैं एजुकेशन में सबसे पीछे मुसलमान है, जेलों में बंद सबसे ज़्यादा मुसलमान है, मुस्लिम मोहल्लों में खुलेआम ड्रग्स चरस गुटखे बिक रहे हैं। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप अगर गवर्नमेंट दे भी रही है तो उसके पेपर वर्क बहुत ही टफ है। एजुकेशन लोन का प्रोसेस कोई भी स्टूडेंट्स आसानी से नहीं पूरा कर सकता। यही सब सवालों पर जवाब MMNF के प्रेसिडेंट जाकिर शिकलगार ने दिया। कॉन्फ्रेंस में इरफान सैयद, सलीम टोले, अशफाक खान, हनीफ दानानी, हसन मुलानी, गनी सब, जहांगीर खान और MMNF की टीम मौजूद थी। ज्या आमच्याकडे आता जवळपास 400 जास्त सामाजिक संस्था आमच्याकडे सुरू केले पूर्ण महाराष्ट्रातून, तर याच्यातून आम्ही आता विभागवार मेळावे घेतो, मेळाव्यांमधून आम्ही जनजागृती करतो। शासनाच्या योजनांची माहिती पुस्तिका आम्ही गेल्या वर्षी मागितली, अजून शासनाने आम्हाला दिली नाही, पण आमच्या स्तरावर आम्ही ज्या रनिंग योजना आहेत चालू योजना त्याची माहिती पत्रक आम्ही आमच्या स्तरावर वाटत आहोत। आणि आमचं टॅगलाईन आहे एम्पॉवरमेंट टू NGO, म्हणजे सामाजिक संस्थांचं सशक्तीकरण, त्याच्यामध्ये आम्ही काम करतोय आणि हे सातत्याने काम चालतंय। आणि आता प्रत्येक संस्थेनं एक ई सेवा केंद्रासारखं, म्हणजे माहिती सेवा केंद्र ज्याला आम्ही मायनॉरिटी डेव्हलपमेंट सेंटर म्हणतोय, अशी सेंटर्स आम्ही सुरू करतोय। मुंबईमध्ये पण अशी आता 2 सेंटर्स मुंबई आणि मालाडमध्ये सुरू झालंय। मालाडचे आमचे सेंटर चालवणारे फिरोज शेख आले तिथे यासाठी, आणि कम्युनिटी डेव्हलपमेंट सेंटर असाही आमचा पुढचा उद्देश आहे। तर कम्युनिटी सेंटर हे मोहल्ल्यात चालू, म्हणजे मोहल्ल्यातली सगळी लोक समाविष्ट होतील। आणि आम्ही याच्यामध्ये मोहल्ला म्हणलं म्हणून काय फक्त मुस्लिम नाही, ऑल मायनॉरिटीजसाठी आम्ही सर्व्हिस करतो। आणि आमच्या या माहिती सेवा केंद्रामध्ये काही गोष्टी आपले सरकारच्या पण आम्ही चालवतो, या विनामूल्य बऱ्याच ठिकाणी चाललेल्या आहेत। आता आमची अशी 85 सेंटर्स महाराष्ट्रात चालू आहे, येत्या वर्षभरात प्रत्येक तालुक्यात। स्कॉलरशिप के मामले में कहा जाए तो ये वही चीज़ें हैं, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो बरसों से चली आ रही है, लेकिन अभी उसी के साथ बेगम हजरत मेन स्कॉलरशिप को भी NSP पोर्टल पर लाया गया, लेकिन उसकी जो जानकारी जो गाइडलाइन स्कूल लेवल पर जो आनी चाहिए वो प्रशासन की तरफ से नहीं आ रही है। आप अगर देखेंगे कितने सारे स्कूलों ने इस साल बेगम हजरत महल के स्कॉलरशिप का फॉर्म लेने से भी मना कर दिया, रीज़न यही बताया कि हमें गाइडलाइन नहीं आई। और जितने भी एजुकेशन ऑफिसर के जितने भी पत्र व्यवहार है या फिर जो आदेश है उसमें भी कहीं वो चीज़ का उल्लेख नहीं है। तो इसी बहुत से मिसकम्युनिकेशन है जहाँ पर हमें काम करना पड़ रहा है और हमें कामयाबी मिली है, उसमें बहुत सारे स्कूल भी तैयार हुए और अभी काम बहुत अच्छे से जारी है। लेकिन एक फॉरेन कंट्रीज़ में जो पढ़ाई करने के लिए जो जा रहे हैं उनके लिए पढ़ो प्रदेश स्कीम है, उसकी अमलबाजानी ठीक से नहीं हो पा रही। और टेक्निकल एजुकेशन में जो बच्चे हैं उनके लिए भी जो शैक्षणिक कर्ज योजना है वो बहुत ही मुश्किल से मिलती है, उस पर काम करने की सरकार को बहुत ज़रूरत उठाए। और अगर नहीं उठाते जो संवैधानिक दायरे में जो भी चीज़ करना पड़ेगी हम ज़रूर करेंगे, फिर उसके लिए PIL दाखिल करना हो, प्रिपिटेशन दाखिल करना हो, आंदोलन करना हो, जो भी चीज़ की ज़रूरत है हम ज़रूर करेंगे। ओके।